हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके पास फिर आया हूँ। वीडियो का टॉपिक देख रहे हैं, सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट कल्टीवेशन के बारे में मैं बताऊंगा वो क्या होती हैं बहुत ही शॉर्ट में। तो फटाफट आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम ले रहे हैं वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है? इसमें कुछ लोग होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया को क्लीन करते हैं, वहां पे अपनी जो भी क्रॉप्स वगैरह है उसको उगाते हैं, और उसके बाद कुछ समय बाद जब वो लैंड बेकार हो जाती है तो वो लोग मूव कर जाते हैं किसी दूसरी जगह पे, और वो लोग उस जगह को क्लीन करते हैं और फिर वहां पे वो लोग फिर से अपना प्लांटेशन वगैरह करते हैं। इस तरीके से वो लोग शिफ्ट होते रहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये होती है हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दूसरी है हमारी कॉमर्शियल प्लांटेशंस। कॉमर्शियल प्लांटेशंस मैं पहले एग्जांपल बता दूं जिससे बहुत इजी हो जाएगा और समझना। एग्जांपल्स हैं टी, कॉफी, कोकोनट एटसेट्रा। कॉमर्शियल प्लांटेशंस वो होती हैं जो कि इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, या वो प्लांटेशन जो एक बार हमने प्लांटेशन की क्रॉप लगा दी और उसके बाद हम लोग उसको कुछ समय तक हम लोग उसको यूज करते हैं, हर बार हमें प्लांट्स लगाने की जरूरत नहीं होती है। थर्ड है मिक्स्ड फार्मिंग। जैसा कि नाम से पता चला है मिक्स्ड फार्मिंग, यानी इसमें ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स होगा, जो भी आप क्रॉप्स चाह रहे हैं वो अपना ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स होगा, प्लस इसी में जो एनिमल्स हैं यानी रियरिंग ऑफ एनिमल्स, यानी जो जानवरों को रखना पालना उनको खाना पीना देना वो सब इसी में इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर आपका फोर्थ है स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स वो सब हम उसकी प्लांटेशन करते हैं, लेकिन स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर में एक पर्टिकुलर क्रॉप पे फोकस रहता है ड्यू टू एक्सेसिव डिमांड ऑफ पॉपुलेशन और ड्यू टू एक्सेसिव डिमांड ऑफ दैट क्रॉप। फिर आता है आपका सबसिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, सबसिस्टेंस फार्मिंग ज्यादातर आ जाता है। सबसिस्टेंस फार्मिंग में है ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स सेम फॉर द सोल पर्पज ऑफ फार्मर्स एंड हिज फैमिली, यानी वो सिर्फ अपने परिवार के लिए ही क्रॉप्स उगाएगा और जो एनिमल्स है वो रखेगा। सिक्स है हमारा डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग रियरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क, यानी हम लोग उनको दूध के लिए पालते हैं और उनका दूध निकालकर हम लोग बेचते हैं। इस तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कॉमर्शियल प्लांटेशंस, मिक्स्ड फार्मिंग, स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग, इस तरीके से हमने छह इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन हमने समझे। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपके बीच में फिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।